जब भी हम अपना मकान बनवाने की सोचते हैं तो फिर सबसे पहले हमारे दिमाग में यह सवाल आता है कि आखिर घर किससे बनवाया जाए, या फिर घर किससे बनवाना सही रहेगा जिससे हमारा घर भी काफ़ी अच्छा बन सके और ज़्यादा पैसे भी खर्च ना हो। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामाउंट होम क्रिएशन में। और YouTube पर भी काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स और सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल के माध्यम से हम आप तक कंस्ट्रक्शन से जुड़ी जानकारियाँ पहुँचाते रहते हैं, जिसका उद्देश्य जो भी आम नागरिक हैं, जो भी अपना मकान पहली बार बनवा रहे हैं, जिनको इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, और जो भी फ्रेशर सिविल इंजीनियर है, ठेकेदार है, उन तक सही जानकारी पहुँचाना है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम मकान को किन किन तरीक़ों से बनवा सकते हैं और हमारे लिए कौन सा तरीका बेस्ट रहेगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दे। हम अपने मकान को मैन्युअली तीन तरीकों से बना सकते हैं। पहला, लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर, दूसरा डेली बेसिस लेबर पर, और तीसरा फुल कॉन्ट्रैक्ट विद मटेरियल पर। देखिए, यहाँ पर हम जानेंगे कि इन तीनों मेथड में से हमारे लिए कौन सा मेथड बेस्ट है, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि आखिर इन तीनों मेथड में होता क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्ट मेथड को। लेबर कॉन्ट्रैक्ट मेथड में जो भी लेबर रहेंगे, जैसे मिस्त्री, कारीगर, मजदूर या फिर हेल्पर, ये सब ठेकेदार के ही रहेंगे, और मकान में लगने वाला जो भी मटेरियल है वह मकान मालिक का रहेगा। अब बात करते हैं दूसरे मेथड पर, डेली बेसिस लेबर। इस मेथड के अंदर सारी लेबर भी मकान मालिक को ही लानी होती है और सारा मटेरियल भी मकान मालिक का ही होता है। इसके अंदर अगर कोई भी लेबर साइट पर नहीं आए तो उसकी जगह पर दूसरी लेबर भी मकान मालिक को ही लानी पड़ती है। और इस मेथड की ओर आप तभी जाए जब आप बिल्कुल फ्री हो, साइट पर पूरा टाइम दे सकते हो, वरना काफ़ी परेशानियों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। इसी तरह अब जानते हैं फुल कॉन्ट्रैक्ट विद मटेरियल को। इसके अंदर आपको ठेकेदार को सिर्फ पेमेंट करना होता है, बाकी लेबर और सारा मटेरियल ठेकेदार का ही रहता है। अब हमने जान लिया कि इन तीनों मेथड में होता क्या है। अब हम बात करेंगे कि इन तीनों मेथड में लेबर की कॉस्ट कितनी आ सकती है। सबसे पहले हम जानेंगे लेबर कॉन्ट्रैक्ट मेथड के आधार पर। देखिए, अलग अलग एरिया वाइज अलग अलग रेट हो सकते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर हम हमारा एरिया राजस्थान पाली डिस्ट्रिक्ट की रेट लेकर चले तो यहाँ पर लेबर कॉस्ट 350 से 400 रुपये पर स्क्वायर फीट के आधार पर रहती है। तो यहाँ पर हम 1000 स्क्वायर फीट एरिया को लेकर चले और 350 रुपये पर स्क्वायर फीट के आधार पर इसकी लेबर कॉस्ट टोटल 350,000 रुपये बन जाती है। अब देखते हैं डेली बेसिस लेबर मेथड के आधार पर। तो एक मिस्त्री की रेट 700 से 800 रुपये पर डे रहती है और एक लेबर की रेट 350 से 400 रुपये पर डे रहती है। तो इसके हिसाब से मिनिमम पर डे अगर दो मिस्त्री और पांच लेबर काम कर रहे हैं तब 1400 रुपये मिस्त्री के और 1750 रुपये लेबर के बनते हैं। इसका मतलब पर डे 3,150 रुपये आपका लग जाता है। अब एक मकान का काम लगभग 100 दिन में पूरा हो जाता है, तो आपकी लेबर कॉस्ट 3,150 रुपये पर डे के हिसाब से 3,15,000 रुपये बनते हैं। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि जो काम आपका लेबर कॉन्ट्रैक्ट में 3,50,000 में हुआ, वही काम आपका डेली बेसिस लेबर में 3,15,000 में ही पूरा हो जाता है। तो आपको कितना फ़ायदा हुआ। अब हम बात करेंगे फुल कॉन्ट्रैक्ट विद मटेरियल मेथड की। तो इसके अंदर 1200 रुपये से लेकर 1800 रुपये स्क्वायर फीट के आधार पर हमारे मकान का काम पूरा हो जाता है। तो हम एक एवरेज रेट 1500 रुपये स्क्वायर फीट लेकर चले तो 1000 स्क्वायर फीट एरिया का काम 15 लाख में पूरा हो जाएगा। अब इसकी लेबर कॉस्ट निकालें तो
तो लेबर कॉस्ट टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 30-35% रहता है, तो 15 लाख का 30% 4,50,000 रुपये लेबर कॉस्ट बनता है। अब हम तीनों मेथड की लेबर कॉस्ट को एक साथ देखें तो आपको पूरा पता चल गया होगा कि मकान मालिक अपना पैसा कहाँ बचा सकता है। अब हम जानेंगे कि आपके लिए कौन सा मेथड सही रहेगा। लेबर कॉन्ट्रैक्ट वही लोग दे जो दिन में कम से कम एक बार अपनी साइट पर एक घंटा दे सके, चाहे वह किसी भी जॉब पर हो, क्योंकि यहाँ पर आपको साइट पर रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब डेली बेसिस लेबर पर कौन दे सकते हैं? देखिए, अगर आप पूरे फ्री हो, अपना पूरा टाइम साइट पर दे सकते हो, तो आप डेली बेसिस लेबर से काम करवा सकते हैं। इसमें आपको यह पता रहेगा कि डेली कितनी लेबर आ रही है और वर्क कितना कर रहे हैं। इसमें आपको कंस्ट्रक्शन वर्क के बारे में भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी होता है, वरना आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। और इसमें आपको सिविल इंजीनियर को हायर करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि एक सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट अपने अनुभव के आधार पर आपका वर्क बहुत ही अच्छे से करवा पाता है, वरना आप ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं चलता। अब फुल कॉन्ट्रैक्ट विद मटेरियल आप तभी दे जब आप अपनी साइट पर टाइम नहीं दे सकते हो, या फिर सप्ते में एक बार, महीने में 2-3 बार ही साइट पर आ सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बात ज़रूर याद रखनी है कि आप जब भी अपना मकान बनवाएं तो उससे पहले एक सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट से मकान की पूरी डिज़ाइन ज़रूर बनवा लें और उनको साइट पर भी हायर ज़रूर करें, जिससे आपका मकान एक प्रॉपर प्लानिंग से बने और आपको नुकसान भी ना हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की इस वीडियो से काफ़ी जानकारियाँ मिली होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।